जय ज्योति जय क्रांति आप सभी साथियों को जय श्री राम। मैं विशेष करके इस वीडियो के माध्यम से आप सभी भाइयों से भी एक नम्र निवेदन करना चाहूँगी कि जो एक क्रांति की आग फैलाई है इन लोगों ने पूरे राजस्थान के कोने कोने तक, एक क्रांति की आग शायद ऐसा विकराल रूप धारण कर रही है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और जो 84 युवाओं के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो 84 युवाओं के ऊपर जो मुकदमे हुए हैं, जो लाठीचार्ज हुआ है हमारी सोती हुई जनता पर, समाज पर, तो ये हमें कमज़ोर नहीं, इस लाठीचार्ज ने हमें इतना मजबूर किया है और इतना मजबूत किया है कि अब शायद हम एक नहीं हजार बार ये लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि ये लट हमारे लिए कमज़ोरी नहीं, ये हमारे लिए मजबूती साबित हुई है। इस लड़ाई को हम शांतिपूर्ण रूप से ही नहीं, उग्र आंदोलन की रणनीति से भी अब जीत सकते हैं। मैं एक सवाल जो है मेरा ही नहीं है, मेरी पूरी कौम का है, हर एक युवा का, हर एक व्यक्ति का। मैं मेरे बड़े भाई चंद्र प्रकाश सैनी से और मेरे पिता तुल्य मुरारी लाल जी से भी मैं एक बात ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जब हमारा उद्देश्य एक है तो रास्ते अलग अलग क्यों है? आप किसी भी समाज का इतिहास उठा कर देख लो, जिसने भी अपने समाज के हक की लड़ाई लड़ी है उस समाज का जादम भी एक रहा है और लीडर भी एक रहा है। लेकिन फिर भी मेरी इस कौम ने दो लीडरों की मान्यता प्राप्त की है, आप दोनों को ही लीडर माना, जबकि बात एक ही जादम की होनी चाहिए थी, उसके बावजूद भी मेरी समाज ने आप दोनों को ही श्रम मान्य माना है और दोनों के ही निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा है पूरा समाज। तो मैं सवाल पूछना चाहूँगी विशेष करके मुरारी लाल जी से भी, मेरे बड़े भाई सीपी से भी, कि आपके अंदर भले ही चाहे मतभेद कितने ही हो, और मतभेद होते भी रहते हैं, मतभेद हो तो ठीक है, परंतु मनभेदों का कोई इलाज नहीं है, ना तो वो आपके पास है और ना ही कोई हमारे पास है। मतभेद है आप दोनों के बीच में तो आप बैठकर एक जादम से सुलह कर लीजिए,